Now we are going to discuss about the other abiotic factors of the environment, that is temperature. We have discussed it earlier. Now we'll discuss about the animals' categorization into two groups according to their temperature fluctuation, that how their internal temperature change, fluctuate or do not fluctuate according to the external environment. So first of all, we have warm-blooded animals. So warm-blooded animals, ऐसे animals को कहा जाता है जिनका body temperature environment के साथ fluctuate नहीं करता, यानी external environment उनकी body temperature को disturb नहीं करता, उनका body temperature बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा है, external environment के change होने के साथ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. For example, human beings, polar bears, etc. are those type of animals, or those type of individuals who are warm-blooded animals, as their blood or their body temperature do not fluctuate. Next one is cold-blooded animals whose body temperature fluctuate with environment temperature changes, like lizards, snakes. तो ऐसे individuals, ऐसे animals जिनका blood fluctuate नहीं करता है, जिनका blood change नहीं करेगा, उनका जो blood का temperature है या उनका जो body temperature है, basically internal temperature, body temperature अगर external environment के according fluctuate करता है तो उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहेंगे. यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका फ्लक्चुएशन नहीं होगी, जिनके बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे. और ऐसे एनिमल्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एज रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा और फ्लक्चुएट हो रहा हो, तो उनसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहेंगे. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास लिजर्ड एंड स्नेक्स. सो सच कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हाइबरनेट. तो ऐसे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं. हाइबरनेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स मूव इंटू लॉन्ग विंटर स्लीप. यानी वो लंबे अरसे के लिए विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनसे बचने के लिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं और एक लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, ताकि अगर एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा होंगी तो फिर वो उस तरीके से पूरा क्लाइमेट जो है या पूरी उस क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं. उनकी एनर्जी बहुत जल्दी यूटिलाइज हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द हार्श इन्वायरमेंट उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन वो इतने इन्वायरमेंट के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए दे विल गो इंटू अ हाइबरनेशन स्टेट. दे लोअर देयर बॉडी एक्टिविटीज़ ताकि जितनी भी उनके पास एनर्जी है वो उस पूरे क्लाइमेट चेंज के लिए, उस पूरे टेम्परेचर चेंज के लिए वो उसको यूज़ कर सकें. सो दे एंटर्स इन बरोज एंड केव्स एंड स्लीप टिल फ्रीजिंग विंटर फेज. तो फ्रीजिंग विंटर फेज के गुजरने तक वो अपनी बरोज में रहते हैं. सो सम एनिमल्स टेंड टू मूव अवे और ट्रैवल अवे फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस. कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें माइग्रेशन केबिलिटी होती है, यानी वो उस एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं. सीजन टू सीजन सीजनल फ्लक्चुएशंस की वजह से, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से ये अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को रखने के लिए ये माइग्रेट करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं. और जब दोबारा से कंडीशन नॉर्मल होती है, दे रिटर्न बैक टू द सेम एरिया. दे कम बैक व्हेन द कंडीशंस आर सूटेबल और पॉसिबल. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन. नाउ वी हैव अ टॉपिक एयर. As we had discussed earlier, that oxygen, carbon dioxide gas, nitrogen are very important components of the environment that required for the survival of the living world. तो living world के survival के लिए जो air blanket है, that consists of a lot of gases and the water vapors, is very compulsory, is very necessary. So this abiotic factor means a lot to the individuals, to the living organisms. So oxygen is used by the living organism for respiration, carbon dioxide gas is used by the plants to make food. Oxygen living organisms के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके ज़रिए से सांस ले सकते हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के प्रोसेस की, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन है फूड का इनटू सिंपलर यूनिट्स. तो उस ब्रेक डाउन में उस ब्रेक डाउन के लिए जो हमें, हमारे पास बेसिकली जो एक प्रोसेस है उसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. सो ऑक्सीजन यूज़ होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए. तो इस तरीके से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और फूड को यूटिलाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड अगर हम प्लांट्स की बात करें, दे यूज़ ऑक्सीजन and remove, they use oxygen for making up of, they make oxygen as a byproduct of photosynthesis. अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को यूज़ करेंगे,
वॉटर वेपर्स को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और सनलाइट को यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फूड बनाने के लिए. लेकिन इन टर्न जब वो फूड बनाएंगे तो ग्लूकोज के साथ साथ जो उनके पास एक बाय प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीजन होगा. सो दिस कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, plants as well as human beings and animals. So similarly, carbon dioxide gas is released into the atmosphere by living organisms during respiration as a byproduct of oxidation of food. So jab food ka oxidative फोस्फोराइलेशन होता है या फूड की ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में क्या आता है, उस ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उस ब्रेकडाउन के नतीजे में जो एनर्जी मिलती है उसको इंडिविजुअल्स यूटिलाइज कर सकते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग इंडिविजुअल्स के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ वाटर. सो अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अब इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि 70% अर्थ सरफेस जो है वो इट कंप्राइज्ड ऑफ वाटर, पानी की बनी हुई है. सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल्स. सो 90% ऑफ ऑल अ सेल इज मेड अप ऑफ वाटर. अगर हम अर्थ की बात करें तो 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. एंड अगर हम एक लिविंग इंडिविजुअल के सबसे इनिशियल लेवल सेल की बात करें तो वो 90% वाटर पे कंसिस्ट करता है. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, एनिमल्स ड्रिंक वाटर और गेट वाटर फ्रॉम द फूड दे ईट. सो पानी तमाम तरह यातायात की जो भी इस ज़मीन पर रह रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा मेजर ज़रूरत है. द नेक्स्ट वन इज सॉइल. सो द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड सॉइल. जो सबसे ऊपर वाली तह होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो रॉक्स के जरिए से बनती है, रॉक्स की केमिकल एंड फिजिकल वैदरिंग के नतीजे से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं. इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, कॉपर एंड पोटेशियम. सो ये तमाम तर मिनरल्स जो कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब के सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स के जरिए से हमें मिलते हैं. और प्लांट्स कहाँ से लेते हैं इसको, सॉइल में से लेते हैं. ज़मीन में से, ज़मीन की जो मिट्टी होती है वहाँ से प्लांट्स की रूट्स इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं एंड देन वही फूड जब हम खाते हैं देन वी गेट दीज मिनरल्स. सो इन टर्न सॉइल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है. डिकम्पोजर्स सॉइल के लिए ज़रूरी हैं, वो प्लोइंग का काम करते हैं. सॉइल प्लांट्स के लिए ज़रूरी है एंड इन टर्न सॉइल हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो एनिमल्स ईट द प्लांट एंड दस द मिनरल्स आर ट्रांसफर्ड इन टू दैम एंड आर यूटिलाइज बाई दैम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज़ आर नीड. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टास्क सी. टास्क सी इज़ बेसिकली वन वर्ड आंसर for these statements. Statement number one is animals that depend on plants and animal for food. So we have discussed these are omnivores. So we can say them heteros and omnivores as well. So omnivore is the best option. Secondly, the process of removal of waste in animals is known as excretion. Number third, the smallest living part of an animal or plant is called cell. The layer of gases around the earth is known as atmosphere. Number five, the living component of the world is biotic components. And the sixth one is the rock that forms the outer layer of the earth is called, ab agar rock layer ki baat ki hai to that is lithosphere. And the seventh one, the process by which green plants make their own food in the presence of sunlight is known as photosynthesis. Number eight, the area where a particular organism lives is known as habitat. Okay, dear students, you have to do all these one word answer on your book page number 75. आपने ये task C अपने book के page number 75 पे करना है. Proper तरीके से lines draw करें हर line sentence के आगे and then उसका answer write करें neatly. Now we have task D. Answer these questions. Question number 6 is what are autotrophs? So what are autotrophs? Autotrophs are those type of organisms or those type of plants that can prepare their own food. The plant or living organism which make their own food by the process of photosynthesis are known as
आउटोटॉफ्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, इन्हें आउटोटॉफ्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर हेटरोटॉफ्स, व्हाट आर 3 डिफरेंट फेजेस टाइप्स ऑफ हेटरोटॉफ्स, गिव एग्जांपल्स। सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर अबाउट द हेटरोटॉफ्स, सो वी राइट इट। Heterotrophic animals are those which depend on other plants and animals for food and nutrition. Hetero means different and trophic means method of taking food. Heterotrophs are further subclassified into omnivores, example bear, herbivores, goat, cow, and the last one carnivore like tiger and lion. Parasites like lice or leech, saprophytes like mushroom and fungi, scavenger like vulture. Question number 8, what is stimuli? Give example to stimuli in reaction of plants and animals. So इस सवाल में आपने stimuli को define करना है और साथ में उसकी example देनी है plants and animals में. So answer is that something that make something else happens are called as stimuli. Living things respond to the changes around them. Animals respond to hot or cold and show immediate reactions. Plant automatically grow towards sunlight. अगर हम plants की बात करें तो वो automatically इनकी shoot जो है वो sunlight की तरफ grow करती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक जो उनका photoreceptor या उनका light sensitive जो उनका effect है, ये किसी stimuli की वजह से, और वो stimuli क्या है, light है। इसी तरह animals किसी भी hot या cold object को जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं तो वो होट या कोल्ड ऑब्जेक्ट उनके लिए क्या है, स्टिमुलाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इफ द वेस्ट इज अलाउड टू रिमेन इन द बॉडी इट कुड बी पॉइजनस। अगर अनवांटेड मटीरियल आपकी बॉडी में रहेगा तो वो आपकी बॉडी को पॉइजन क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें रिलीज करना शुरू कर देगा जो कि आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्पैन ऑफ द लिविंग थिंग्स, गिव एग्जांपल। सो नाउ वी हैव द चेंजेस दैट हैपन इन द लाइफ ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज नोन एज लाइफ साइकिल। यानी एक प्लांट या एनिमल की लाइफ में जो चेंजेस होती हैं उनको हम उसका लाइफ साइकिल कहते हैं। एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रो, अटेन, growth attaining, maturity and finally die. So the time taken to complete all these stages, all this life cycle is known as lifespan. For example, some plants like bristle cone pine trees, these are basically coniferous trees found in cold areas, have life cycle which go on for thousands of years. तो इनका life cycle क्या है, हजारों साल तक ये जिंदा रहते हैं। Number 1, task E. Long question number 1, describe the abiotic world. So abiotic or non-living world consists of 3 distinct parts: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and factors on which abiotic world depends. So all these content is basically that I have explained you earlier. ये तमाम content वही है जो मैंने आपको अभी समझाया है, so आप इसको properly अपनी notebook पर यहाँ से लेकर write कर लेना है। You have to pause the video, write down the answer and then replay the video to check out the next question answers. So the factors are light, temperature, air and water. The last one, soil. तो आप इसके बारे में एक short content write करेंगे ताकि आपके पास एक brief account आ जाए इस question के लिए। तो हमने इसमें तमाम abiotic factors को discuss किया। Now you have question number 4. What is environment? What are its component? इन्वायरमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सो लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू अडैप्ट टू देयर इन्वायरमेंट थ्रू एवोल्यूशन एंड ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन देयर इन्वायरमेंट। द वर्ड इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम अ वर्ड इन्वायरोन विच मीन्स सराउंडिंग एंड द इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स कंपोनेंट। देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स, नंबर 1 अ लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड नंबर 2 इज एबायोटिक कंपोनेंट। सो बायोटिक कंपोनेंट में एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। एंड इन एबायोटिक कंपोनेंट वी कैन हैव एग्जांपल्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क, सो ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड राइट डाउन डायरी।
Dear students, you have to do task C and D on your book. So you have to do task C, question number 1-8 on page number 75. आपने ये अपनी book पे solve करना है, one word answer है. And you have to do task D on your science homework notebook. And also you have to do task E, question 1 and 4 on your science homework notebook. तो आपने task C अपनी book पर करना है and task D and E के जितने भी questions यहाँ mention किए गए हैं, you have to do them on your science homework notebooks carefully and neatly. Okay, dear students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.